जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवारों ने कोरोना गाइडलाइन की पाबंदियों के बीच रविवार को अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। सुबह 8 बजे से संभावित उम्मीदवार नामांकन करने के लिए प्रस्तावकों के साथ पहुंचने लगे। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए बड़ी संख्या में संभावित उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। आपको बता दें कि नामांकन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक हुआ। प्रत्याशी अपने अपने अभिकर्ता और समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पर पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचे। हालांकि वहां पर भीड़ भाड़ तो जुटी, मगर ना तो नारेबाजी के शोर उठे और ना ही कोई प्रत्याशी बैंड बाजे के साथ पहुंचा। इन नामांकन पत्रों की जांच 19 और 20 अप्रैल को की जाएगी। वहीं 21 तारीख को 3 बजे तक पर्चा वापसी की तिथि तय की गई है। वहीं इसी दिन सभी को प्रतीक चिन्ह आवंटन किए जाएंगे, जबकि मतदान 19 अप्रैल को होगा। इस दौरान वार्ड नंबर 22 से बसपा समर्थित ठाकुर विक्रम सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जहां उन्होंने हुई बातचीत में अपने क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि अगर वे जीत के आए तो वे अपने क्षेत्र का चहुमुखी विकास कराएंगे। आपने आज कौन से वार्ड से नामांकन किया यहां पर? मैंने जिला पंचायत वार्ड नंबर 22 से नामांकन किया है। तो किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं जो है विकास के मुद्दे हैं, पानी के मुद्दे हैं, सड़कें खराब हैं। मैं जिला पंचायत सदस्य पर चयनित होकर जिला पंचायत द्वारा कराए गए ज़्यादा से ज़्यादा कामों को लेकर जनता के बीच समर्पित रहूँगा और 5 साल जनता के चरणों में उपस्थित रहूँगा। अच्छा, भाजपा की हम बात करें तो भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास, उनके बारे में क्या? भाजपा के बारे में बात करें तो भाजपा का रिजल्ट जो है 2 तारीख को आपके सामने होगा। मैं ज़्यादा उनके बारे में नहीं कह सकता हूँ, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है और दुनिया को मालूम है, लेकिन इसका जो है रिजल्ट 2 तारीख को आपके सामने होगा। बहुजन समाज पार्टी की इस जिला पंचायत चुनाव में स्पष्ट बहुमत से जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएंगे। आज लोगों में भाजपा के प्रति जो निराशा का माहौल है उसको देखते हुए बहुजन समाज पार्टी में बहन जी जिसको भी आशीर्वाद देंगी उसको जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाएंगे और जनता में ज़्यादा से ज़्यादा काम कराएंगे। और 2021 में मथुरा जीतने के बाद में 2022 में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें भी बहुजन समाज पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा अपना परफॉर्मेंस दिखाएगी और 5 सीटें काबिज करेगी। 2021 में जिला पंचायत अध्यक्ष की और 22 में विधानसभा की 5 सीटों पर काबिज होंगे। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे 2022 में।